अगर आप जम्मू कश्मीर यूटी से बिलोंग करते हो तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपने पुराने लेबर कार्ड को ऑनलाइन कैसे करोगे और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड कैसे लोगे और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि इसके लिए जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर क्या रहेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपको आना होगा अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना है जेके बिल्डिंग। जेके बिल्डिंग सर्च करने के बाद आपके सामने जेके बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। तो आपको ये वेबसाइट ओपन कर देना है। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे न्यू वर्कर रजिस्ट्रेशन का लॉगिन पेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यूजर लेगेसी डाटा ओनली फॉर ऑफलाइन कार्ड होल्डर। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली आ जाओगे साइट पे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर लेगेसी डाटा पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालनी है जो कि आपके पुराने लेबर कार्ड की है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा अपना डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिल करना है अपना आधार नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर अपना केयरफुली फिल करना क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेंड किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्कर नेम फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम फिल करना है। फादर नेम फिल करने के बाद यहाँ से आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर देना है, वेल्डर मैकेनिक मजदूर जो भी होगा तो आपको वो सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। सबमिट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको दिखाएगा ओटीपी सेंड। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको वहां पे वो ओटीपी जो है यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक यूजर नेम जो कि आपका मोबाइल नंबर रहेगा और पासवर्ड सेंड किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पेज पे क्लिक करना है। लॉगिन पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिल करना होगा अपना यूजर नेम जो कि आपका मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वर्कर रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ई श्रम नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन फी डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन फादर नेम। उसके बाद मदर नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बता रहा है कि आप की क्या लैंग्वेज स्पोकन करते हो। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस डाल देना है। सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना टेम्परेरी एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको अगर आपका टेम्परेरी एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो बैंक डिटेल है वो डालनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो टिल रिन्यूड ईयर है, आपका जो लेबर कार्ड है वो कब तक रिन्यू है तो आपको यहाँ पे वो डाल देना है। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो लास्ट रिन्यूअल रिसिप्ट नंबर होगा, जो आपके पास रिसिप्ट है तो आपको वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड फिल फैमिली डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल्स डाल देनी है। जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो आपको यहाँ पे मेंबर नेम, उसका आधार नंबर और उसके बाद आपको मेंबर की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड मेंबर पे क्लिक करना है और एक एक करके अपने जो फैमिली मेंबर्स है आपको वो ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा स्टेप थर्ड पे जो कि अटैचमेंट का रहेगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नीड है वो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट फॉर्म है जो कि जेके बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन के साइट पे फॉर्म अवेलेबल है। तो आपको वो फिल करके अपने सरपंच से साइन करवानी है उस पे। उसके बाद आपको यहाँ पे राशन कार्ड अपलोड करना होगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे लेबर कार्ड स्कैन कॉपी जो कि आपकी ओल्ड लेबर कार्ड होगा, उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक कॉपी और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड डाल सकती हो या आपके पास वोटर आईडी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एज सर्टिफिकेट डालना है जो कि आपका स्कूल का होना चाहिए या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डालना है जो कि आप अपना आधार कार्ड डाल सकती हो या आपके पास वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट जो एमसीएफ रिसिप्ट है जो कि आपने रिन्यू किया था, जो कि लास्ट रिसिप्ट आपकी है, तो आपको वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट हो जाएगा। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद आपकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई की जाएगी, तो उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसे लगी वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।